Hello and welcome to our channel. So today in this lecture we are going to cover the proposal for Indian Environmental Services. So in 2014 TSR committee का formation हुआ था. TSR Subramanian committee जो कि एक ये basically एक former cabinet secretary थे. इन्होंने proposal दिया था कि there should be a Indian Environmental Services और अभी Supreme Court ने भी ये direction दिया government को कि आप क्या करो आप एक Indian Environmental Services को form करो at the All India Services. ये ऑल इंडिया सर्विसेज में आप अगर देखोगे तो अभी करंटली इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये बेसिकली तीन सर्विसेज आती हैं. ठीक है, फिर बाद में आप देखोगे तो 1951 एक्ट के द्वारा आप इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज और इंडियन मेडिकल सर्विसेज, इन सभी चीज़ों को भी ऐड किया गया इंडियन ऑल इंडिया सर्विसेज में. तो इसी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि आप इंडियन एनवायरमेंटल सर्विसेज को भी क्रिएट करो. जो एनवायरमेंटल जो मैनेजमेंट है, जो भी लॉज रूल्स बनानी है, जो भी प्रोसीजर बनानी है, प्लस हमारा जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के साथ साथ हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो भी देखना है, तो वो बेसिकली ये काम करेंगे. ठीक है, तो ये जो TSR Subramanian कमिटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया था, ठीक है, एंड क्या हम लोग को जरूरी है कि हम लोग इंडियन एनवायरमेंटल सर्विसेज को क्रिएट करें एट ऑल इंडिया लेवल पे, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे. दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी मनीष चौधरी. ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली गाइडलाइन दिया या उन्होंने ये गवर्नमेंट को बोला कि आप क्या करो, इंडियन एनवायरमेंटल सर्विस को क्रिएट करो. ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी TSR Subramanian 2014 में. ठीक है, तो 2014 में इन्होंने रिकमेंड किया था और ये बेसिकली कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं. तो इनका जो एम था, ये जो कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, ये कमेटी बनाई गई थी, तो इसका बेसिकली एम था कि हम लोगों का जो इन्वायरमेंटल जो मैनेजमेंट है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के साथ साथ हम लोग का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको हम लोग दिखाना है. क्योंकि क्या होता है कि हम लोग अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण क्या करते हैं कि हम लोग जो इन्वायरमेंट है उसका डिग्रेडेशन होता है. ठीक है, तो उसको रोकने के लिए हम लोग को इन्वायरमेंट, अपना जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करना है. ठीक है, साथ साथ हम लोग को अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी देखना है, अपनी इकोनॉमी को भी देखना है. ठीक है, तो इसको देखना है. फिर बहुत सारे क्वाजी जुडिशल बॉडीज को आप देखो, जिससे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल्स है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, फिर अदर बहुत सारे एजेंसीज को आप देखोगे, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है. ठीक है, फिर तुम्हारा सेंट्रल स्टेट लेवल में बहुत सारे इन्वायरमेंटल बॉडीज हैं. ये सभी बॉडीज क्या करती है कि बहुत सारे लॉज बनाती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. तो ये क्या करती है कि बहुत सारे वेरियस एजेंसीज है जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड लॉज और गाइडलाइंस फॉर्मुलेट करती है. ठीक है, एनवायरनमेंट के एरिया में काम कर रही है, लेकिन उनके जो भी काम में आप देखोगे तो एक कंपेटिबिलिटी नहीं है, मतलब कि एक दूसरे का उतना वो हेल्प नहीं ले रहे. ठीक है, तो ऐसे भी बहुत सारे मिसमैनेजमेंट है. ठीक है, इवन इफ अगर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अगर लॉ बना देती है तो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो इम्प्लीमेंटेशन फुल्ली लेवल पर नहीं होता है, एट द ग्राउंड लेवल पर. ठीक है, जो इंटर मिनिस्ट्रियल जो रिलेशंस होता नहीं है, जो भी एनवायरमेंटल जो प्रोजेक्ट है क्लियरेंस है वो बहुत ही जल्दी सिंगल जो क्लियरेंस होना चाहिए, सिंगल जो हाउस क्लियरेंस होना चाहिए, मीन्स की एक पॉइंट से ही आपको क्लियरेंस मिलना चाहिए, वो प्रॉब्लम्स है. तो इन सभी चीज़ों को डील करने के लिए इनको एक कमेटी बनाई गई थी 2014 में. तो ये TSR कमेटी रिपोर्ट को आप देखोगे तो ये 2014 में इस ये कमेटी को फॉर्म किया गया था और इसमें बात बोला गया था कि इस कमेटी को बात बोला गया था कि आप रिव्यू करो जितने भी ग्रीन कंट्री के जितने भी ग्रीन लॉज है, मतलब कि जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं. ठीक है, उनको देखना, फिर आप जो भी प्रोसीजर फॉलो की जाती है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, तो इन सभी में चीज़ों में को आप देखो और उसमें आप अमेंडमेंट प्रपोज करो. ठीक है, और उनको ये भी बात बोली गई थी कि देर शुड बी अलाइन ऑफ द गवर्नमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंडा. ठीक है, इकोनॉमिक जो भी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के साथ साथ हम लोग को अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी देखना है. ये दोनों चीज़ें उनको दी गई थी और उन्होंने बहुत सारे लॉज को अमेंड करने के लिए उन्होंने रिकमेंड भी किया था. ठीक है, तो आप अगर रिकमेंडेशन में देखोगे तो कि क्या क्या उन्होंने रिकमेंड किया था, तो फर्स्ट था तुम्हारा इन्वायरमेंटल लॉ मैनेजमेंट एक्ट. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि देर शुड बी पासिंग ऑफ इन्वायरमेंट लॉ मैनेजमेंट एक्ट और उसके द्वारा दो बॉडीज क्रिएट की जाएंगी. फर्स्ट तुम्हारा एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल पे, इसको बोला जा रहा है
इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अथॉरिटी को क्रिएट किया जाएगा एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल पे, और इसमें ही आप देखोगे तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड जो कि सेंट्रल लेवल पे होती है, और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो कि स्टेट लेवल पे होती है। तो इसको इसको बेसिकली बेसिकली मर्ज करने की बात बोली गई थी विद दी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। फिर आप एक्सेलरेट करने के लिए जो इन्वायरमेंटल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फास्ट ट्रैक प्रोसीजर शुड बी फॉर द लीनियर प्रोजेक्ट। तो लीनियर प्रोजेक्ट कौन कौन सी होती है, जैसे जो भी प्रोजेक्ट रोड्स, रेलवे, ट्रांसमिशन, जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट होती है उसको बेसिकली लीनियर प्रोजेक्ट बोलते हैं। फिर पावर एंड माइनिंग है, तो इन सभी को क्या फास्ट ट्रैक क्लियरेंस होना चाहिए, और सिंगल विंडो, ठीक है, सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलना चाहिए कि एक ही जगह से आपको क्लियरेंस चाहिए। ऐसा नहीं कि नेशनल ग्रिड आपको ये बॉडी अगर क्लियरेंस दे रही है तो नेशनल ग्रिड ट्राइब्यूनल उसमें कॉल आउट नहीं कर रही, ठीक है। तो ये जो मिसमैनेजमेंट होता है वो नहीं होना चाहिए, सिंगल विंडो क्लियरेंस होना चाहिए कि आपको यहाँ से क्लियरेंस मिल गया, मीन्स आपको कोई भी आप इकोनॉमिक हर्डल, कोई आपके प्रोजेक्ट को कोई भी नहीं होगा। फिर एयर एक्ट, फिर और वाटर एक्ट शुड बी सब्स्टिट्यूट इन द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में बेसिकली ये बात बोली गई कि जो एयर एक्ट है प्लस वाटर एक्ट है उसको बेसिकली मर्ज करने की बात बोली गई इन द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। फिर इसमें ये भी बात बोली गई कि जिससे मैंने बोला कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बेसिकली मर्ज करना है विद दी नेशनल इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी है, स्टेट मैनेजमेंट इन्वायरमेंट अथॉरिटी, ठीक है। फिर आप अगर देखो तो उन्होंने ये भी बात बोली कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें टाइमलाइन मींस कि टाइम बेसिस पे क्लियरेंस मिलना चाहिए, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि आप क्लियरेंस आपके जो प्रोजेक्ट है क्लियरेंस की वजह से बहुत टाइम तक पड़ी है और कोई भी प्रोजेक्ट में कोई भी एडवांसमेंट नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, टाइम बाउंड क्लियरेंस मिलना चाहिए कि अगर आपका प्रोजेक्ट मान लो आप क्लियरेंस अगर इतने समय तक नहीं मिलता, 3 मंथ में नहीं मिलता, तो आपको क्लियरेंस ऑटोमेटिक क्लियरेंस आपको मिल जाएगा। ये भी बात बोला गया कि फिर इन्वायरमेंटल रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट का भी बात उन्होंने बात बोली है, ठीक है। और उन्होंने ये बात बोला गया कि दिस वुड बी अ नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो क्रिएट करने की बात बोली कि जो कि बेसिकली इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के बेसिस पे काम करेगी, ठीक है। और हाई एजुके टेक्नोलॉजिकल लेवल इन्वायरमेंटल गवर्नमेंस में बेसिकली हेल्प करेगी। और उन्होंने ये भी बात बोला कि इंडियन इन्वायरमेंट सर्विस को बेसिकली क्रिएट करना, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि ऑल इंडिया सर्विसेज में अभी बेसिकली 3 सर्विसेज है। सो टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी को जैसे मैंने बोला कि ये बेसिकली रिव्यू उन्होंने किया था, ठीक है, लॉस जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड थी, तो ये सभी इसमें ये वही बातें इसमें दी गई है। सो इश्यूज क्या है, इशू बहुत सारे, बहुत सारे जो भी मिनिस्ट्रीज है या बॉडीज है जो कि इन्वायरमेंट से डील करती हैं, तो उसमें मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ग्राउंड लेवल पर और मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है लॉस का, तो ये सभी सम ऑफ दी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो हाउ डिड दिस सब्जेक्ट कम इन टू फोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली पिटीशन फाइल किया गया, तो ये सब देखने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ वैसा नहीं है, ठीक है। कंक्लूजन क्या है कि हम लोग क्या, हम लोग जितने भी आप इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट को आप देखोगे तो वो बेसिकली क्लियरेंस सेंटर्ड होती है, मीन्स कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर आया तो वो हम लोग क्लियरेंस सेंटर्ड होते हैं कि उसको प्रोजेक्ट को क्लियरेंस देना है कि नहीं देना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग इन्वायरमेंटल क्लियरेंस देना है या फॉरेस्ट क्लियरेंस देना है या वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस देना है, नहीं, हम लोग को इको सेंसिटिव एरियाज को भी बचाना है, हम लोग को रिफॉर्म करना है, और हमको क्या करना है कि बहुत सारे जो भी जितने भी मिनिस्ट्रीज है, इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, या तो उनको 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 स्ट्रेंथन करना है और अपने इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, उनके जो भी प्रोसीजर उनको स्ट्रीमलाइन करना है, सिंगल विंडो क्लियरेंस देना है, ठीक है। फिर ऑल इंडिया सर्विसेज में जैसे इंडियन इन्वायरमेंटल सर्विस है, तो अगर हम लोग क्रिएट कर देते तो हम लोगों को एक एक्सपर्टाइज मिलेगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स होंगे जो कि मॉनिटर करेंगे पब्लिक, जो भी पब्लिक ओपिनियंस है उसको मॉनिटर करेंगे, ठीक है, और फिर वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में बेसिकली बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। तो ऑल इंडिया सर्विसेज मैंने जैसे बोला कि ऑल इंडिया सर्विसेज में बेसिकली अभी 3 सर्विसेज आती हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एंड इंडियन पब्लिक सर्विस। 1951 में एक्ट लाया गया था जिसको ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951 में लाया गया था, और इसमें आप देखोगे तो बेसिकली इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस है, इंडियन मेडिकल सर्विसेज को भी इंक्लूड किया।
So this is all about this lecture, and if you want to contribute us, you can contribute to this number. So thank you for listening to us. So thank you.